नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस में नहीं थम रही आपसी गुटबाजी। पीसीसी में खुले मंच पर भिड़े कांग्रेस नेता, पीसीसी से नाराज हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। चंद्र प्रभा शेखर और कमलेश्वर पटेल के बीच नाराजगी। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर निकले कमलेश्वर। नाराजगी जताते हुए कहा, हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ विराजमान है, उनकी वरिष्ठता कम हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस में गुटबाजी नहीं थम रही है। पीसीसी में खुले मंच पर कांग्रेस के नेता भिड़ पड़े। पीसीसी में नाराज हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। चंद्र प्रभा शेखर और कमलेश्वर पटेल के बीच नाराजगी। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर निकले कमलेश्वर। नाराजगी जताते हुए कहा, हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर विराजमान है, उनकी वरिष्ठता कम हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। साफ तौर पर जिस तरह एक बार देखा जाए, एक तरफ तो राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो ही खत्म नहीं हो रही है। देखिए अमृता, इसे गुटबाजी नहीं कहा जाए, इसे ये जरूर कहा जा सकता है कि कुर्सी की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस में जो है गाये बगाये निकलकर सामने आती रहती है। कई और भी मामले निकल कर सामने आए। एक बार फिर से अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो कुर्सी की जरूरी है। अगर कमलेश्वर पटेल की बात करें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। कमलेश्वर पटेल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन जब उनसे किसी मामले पर बोलने को लेकर कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो जो सेंटर की जो कुर्सी थी, बीच की कुर्सी थी, उस पर वो जाना चाहते थे। और जब उन्होंने आग्रह किया चंद्र प्रभा शेखर से तो उन्होंने इस आग्रह को नकार दिया और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आप वहीं जहां पर बैठे हैं वहीं से बैठकर बोल सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं कमलेश्वर पटेल नाराज हो गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बीच में ही छोड़ने का निर्णय ले लिया, जिस पर उन्होंने ये भी कि अभी मीडिया से वो बात नहीं करेंगे, अब वो आगे चलकर लंबी बात जो उनको करनी है तो आगे चलकर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि वरिष्ठ नेताओं की कुर्सी छोड़ने के चलते उनकी वरिष्ठता कम हो रही है, तो इस वजह से अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेंगे और वो उठकर तुरंत निकल भी गए। हालांकि बाद में जब मीडिया ने उनसे चर्चा की, बातचीत करना चाही, तो उन्होंने इस बात से नाराजगी की बात से भले ही नकार दिया, लेकिन ये जरूर है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस दौरान जिस तरीके जो गतिविधियां देखने को मिली उससे साफ जाहिर है कि जो पदाधिकारी है उनमें जो पूर्व मंत्री है और जो विधायक है उनमें भी समन्वय की बहुत आवश्यकता है। समन्वय अभी फिलहाल नहीं बन पा रहा है और कहीं ना कहीं वही समन्वय की कमी के चलते गाये बगाए लगातार जो गुटबाजी है, जिसको बार बार गुटबाजी का नाम दिया जाता है, वो निकलकर सामने आती। वही ये बात भी कही जा सकती है कि पदाधिकारियों में समन्वय की कमी के चलते ये परेशानियां जो है, ये जो वाद विवाद है वो कांग्रेस में निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी तरीके का एक उदाहरण जो है वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी के। देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की एक और तस्वीर यहाँ पर, जहाँ पीसीसी में खुले मंच पर दोनों ही नेता आपस में भिड़ पड़े। पीसीसी में नाराज हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। चंद्र प्रभा शेखर और कमलेश्वर पटेल के बीच में एक बार फिर नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है। चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कमलेश्वर पटेल नाराज होकर वहां से निकल गए। नाराजगी जताते उन्होंने कहा कि हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ विराजमान है, उनकी वरिष्ठता कम हो रही है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे, भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तस्वीर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा देती है। और बहुत सारी बातें फिर कभी समय निकाल कर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जी विराजमान, आपकी वरिष्ठता खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाराज नहीं है, उनको जरूर जाना, जल्दी जाना और उनके पास डिटेल जानकारी इसलिए अलग से देंगे।